थपथपाई, गले लगाया। अपने हनुमान पर नरेंद्र मोदी ने कुछ यूं लुटाया प्यार। तस्वीरें आपके चेहरे पर भी मुस्कान ले आएंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और इससे पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके लिए राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने किया। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जितिन राम मांझी, पवन कल्याण, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथ चिराग पासवान ने भी समर्थन किया। इस अवसर पर चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसी बातें कही जिससे एक बार फिर से साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी के वो हनुमान है। चिराग पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि सभी लोकसभा सदस्यों का स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं और इसी के साथ उन्होंने अपने पिता यानी कि राम विलास पासवान को लेकर भी बातें कही। मैं यहां इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान जो यहां पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देखा आपने, ये बात बोलने के बाद चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के पास गए जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की पीठ थपथपाई और उन्हें गले से लगाया। चिराग पासवान को दिए इस स्नेह और प्यार को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच कैबिनेट की सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। चिराग पासवान ने एक बार फिर से 100% स्ट्राइक रेट के साथ वापसी की है तो मंत्रालय में उनकी एंट्री भी तय मानी जा रही है। वही जितन राम मांझी भी इस रेस में हैं। उधर जेडीयू को इस बार कम से कम 2 मंत्रालय मिल सकता है। इनमें ललन सिंह और संजय झा का नाम सबसे आगे है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके।